प्ले पॉपुलर क्रिएटर बैकग्राउंड म्यूजिक्स। तो वेल गाइस, जितने भी पॉपुलर क्रिएटर के बैकग्राउंड म्यूजिक थे वो मैंने ढूंढ निकाला है। एंड ये आप भी कैसे मतलब ढूंढ सकते हो इसका तरीका मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। एंड वीडियो में जो टाइम टाइम लगा है उसके अकॉर्डिंग आप जो अपने फैक्ट क्रिएटर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक का नेम देख सकते हो। एंड डाउनलोड करने का तरीका जो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, सबसे पहले आपको मैं कॉपीराइट के बारे में समझा देता हूं। तो देखो, जब मैं मतलब रिसर्च वगैरह कर रहा था तो मेरे को जो 14 बैकग्राउंड म्यूजिक मिले हैं जिसमें से जो 8 बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो नॉन कॉपीराइट है, लेकिन जो 6 बैकग्राउंड म्यूजिक है वो जो कॉपीराइट है। मतलब देखो, जैसे मैंने ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक को मैंने एक वीडियो में अपलोड किया एंड जैसे मैंने यूट्यूब पे इस वीडियो को अपलोड किया तो उसमें से 6 बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम आ गया एंड 8 के ऊपर नहीं है। तो वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट वाला है, कौन सा जो कॉपीराइट फ्री है। फर्स्ट बैकग्राउंड म्यूजिक जो है जिसे फैक्टशिप, जिसे हम जो मोहित जबलपुरी भी कहते हैं, फैक्ट नेशन, क्यूरियो एंड फैक्ट टू फैक्ट, ये चारों फैक्ट क्रिएटर जो ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं। एंड ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक जो है मुझे कॉपीराइट क्लेम वाला ही मिला है। तो और किसी को ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है कॉपीराइट फ्री मिले तो मुझे कमेंट में ये वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक है शेयर कर देना एंड मैं आपको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक सुना देता हूँ। तो ये जो आपने साउंड सुना ये बैकग्राउंड म्यूजिक का जो आपको डिटेल्स है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एंड आप यहाँ पर देख सकते हो इसका नेम वगैरह। एंड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक जो कॉपीराइट क्लेम वाला है ये मुझे फिलहाल तो अभी कॉपीराइट फ्री नहीं मिला है, लेकिन जैसे मुझे मिल जाता तो मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक भी। सेकंड बैकग्राउंड म्यूजिक फैक्ट टू फैक्ट चैनल का है, यहाँ पर आप उनका बैकग्राउंड म्यूजिक सुन सकते हो जो अपनी वीडियोज में वो यूज़ करते हैं। इस वाले बैकग्राउंड म्यूजिक पे जो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। थर्ड बैकग्राउंड म्यूजिक जो है यहाँ पर फैक्ट डॉग चैनल का है एंड ये भी कॉपीराइट फ्री है, इस पे भी आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। फोर्थ बैकग्राउंड म्यूजिक जो है क्यूरियो चैनल का है एंड ये भी काफी पॉपुलर बैकग्राउंड म्यूजिक है एंड इस पे भी आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। फिफ्थ बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फैक्ट एजुकेशन चैनल का है एंड ये जो दो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हैं एंड दोनों को दोनों कॉपीराइट क्लेम फ्री है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सिक्स नंबर पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है इसको जो फैक्ट जिला यूज़ करते हैं एंड ये भी जो कॉपीराइट क्लेम फ्री है, तो इस पर आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। सेवन नंबर का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसे जो फैक्ट शिप, जो इसको मोहित जबलपुरी भी कहते हैं एंड जो है इसको मान केडी एंड जो आनंद फैक्ट करके चैनल है ये भी इसे यूज़ करते हैं, बट इसमें जो कॉपीराइट क्लेम आया था इस वाले बैकग्राउंड म्यूजिक में ये मेरे कॉपीराइट फ्री वाला मिला नहीं। जैसे मेरे को मिल जाता तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा एंड इसका बाकी डिटेल्स वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसका बैकग्राउंड म्यूजिक का जो यहाँ पर डिटेल्स वगैरह शो हो रहा होगा तो आप रिसर्च कर सकते हो एंड जो कॉपीराइट फ्री वाला डाउनलोड कर सकते हो। एट्थ नंबर पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है इसे जो इट्स फैक्ट यूज करते हैं, लेकिन यार इस पे जो कॉपीराइट क्लेम आया था, तो सबसे पहले आप इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लो एंड इसका डिटेल्स भी आपको दे देता हूँ। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको इस बैकग्राउंड म्यूजिक का डिटेल्स वगैरह शो कर रहा होगा, नेम वगैरह, तो वहाँ से आप सर्च करके इसको कॉपीराइट फ्री वाला डाउनलोड कर सकते हो। नाइन्थ नंबर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इसे जो क्यूरियो चैनल ही यूज़ करते हैं एंड इसका डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये भी जो कॉपीराइट क्लेम इस पर भी आया था, तो आप इसको भी सुन लो। इस बैकग्राउंड म्यूजिक का डिटेल्स वगैरह, नेम वगैरह यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो वहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो। टेंथ नंबर पे और जो इलेवंथ नंबर पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है इसे जो फैक्ट डॉग चैनल यूज करते हैं एंड दोनों को दोनों कॉपीराइट क्लेम आया था इस पे, तो आपको मैं डिटेल्स इनका बता दूंगा, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ट्वेल्थ नंबर पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है इसे जो फैक्ट शिप यूज करते हैं, जैसे जो मोहित जबलपुरी भी कहते हैं एंड ये जो कॉपीराइट फ्री एकदम। थर्टींथ नंबर पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है इसे जो फैक्ट्स माइन यूज करते हैं एंड ये दो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं एंड आपको मैं दोनों का यहाँ पर साउंड सुना देता हूँ एंड ये जो कॉपीराइट क्लेम फ्री एकदम, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो इजिली।
14th नंबर पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है इसे जो है राइट टू शिक्षा यूज करते हैं एंड ये भी जो कॉपीराइट क्लेम फ्री है तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो भाई जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको मैं डाउनलोड करने का तरीका यहाँ पर बताऊंगा। आपने यहाँ पर 14 के 14 बैकग्राउंड म्यूजिक देख लिए हैं। देखो इनका डाउनलोड करने का तरीका सिंपल है, आपको सिंपली मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अबाउट सेक्शन में एंड जो कमेंट में टॉप पे पिन रहेगा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, वहां से आपको सिंपली इंस्टाग्राम में मेरा आ जाना है। जैसे आप जो यहाँ पर जो मैसेज पे क्लिक करते तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा फैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, आपको इसी पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो ऑटोमेटिक आपको बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मतलब अगर लिंक नहीं मिलता है तो सिंपली मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको लिंक जो सेंड कर दूंगा खुद से। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक का फ्री में लिंक तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ क्योंकि 2023 में यार यूट्यूब और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है एंड जैसे मैं आपको मैं बैकग्राउंड म्यूजिक का कोई लिंक देता हूँ तो मुझे कॉपीराइट गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह भी आ सकता है। एक बार मेरे को आया भी था, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जैसे आप मतलब ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दो फोल्डर खुल के आएंगे, मतलब यहाँ पर फोल्डर के अंदर एक फोल्डर रहेगा, एक जो मैंने सेपरेट कॉपीराइट क्लेम वाला फोल्डर बनाया है तो वहाँ पर जो कॉपीराइट क्लेम वाला बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिलेगा एंड जो कॉपीराइट फ्री वाला है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड हाँ, जिस किसी को भी कॉपीराइट क्लेम वाला बैकग्राउंड म्यूजिक का मिले तो यार मेरे कमेंट सेक्शन में ये वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक दे देना एंड ताकि मैं दूसरों को भी दे सकूं। बाकी मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको ये जो कॉपीराइट क्लेम वाला है 6 के 6 बैकग्राउंड म्यूजिक ये भी आपको कॉपीराइट फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। एंड बात रही कि मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे फाइंड किया इन सबको, तो देखो यार इसको भी एक फाइंड करने का मैंने एक ट्रिक लगाया, तो वो ट्रिक क्या है आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा एंड वो वाला वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे अगर जो मैंने अपलोड कर दिया हो तो। एंड इस ट्रिक से आप मतलब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड कर सकते हो। कभी कभी होता है ना ये साजा एप्लीकेशन जो होता है जो बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड नहीं कर पाता क्योंकि इसमें जो हमारा वॉइस आया है तो वॉइस के कारण ये जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता बैकग्राउंड म्यूजिक को, लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप जो इजीली कोई बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड कर सकते हो चाहे वो जो उसमें वॉइस ही क्यों ना लगा, लेकिन आपको साजन एप्लीकेशन को यूज करना आना चाहिए। जिसको मतलब साजन एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हो, इससे आपको मतलब पता लग जाएगा कि साजन एप्लीकेशन है क्या।